ये एक ऐसे झूठे आदमी की कहानी है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन फिर भी एक सच को छुपाने के लिए वह झूठ के चक्कर में ऐसा उलझा कि उलझता गया उलझता गया उलझता ही गया। मेरा 400 रुपया खाकर मेरे लड़की को दूल्हा देखता कहाँ है वो दूल्हा? दूल्हा? ओ हाँ, दामाद तुम्हारे लिए है। बात ये मुत्तु सामी, मैं भूल गया था, मगर मैंने लड़का देख के रखा है। वो कहाँ है लड़का? लड़का बता रहे तो देख के मैं पुलिस में पकड़ के देता, मेरा 400 रुपया खा चुके। अरे मगर मैं दिखाऊंगा, काम पैसे छूटूंगा, उसके बाद साथ में लेके। नहीं जी, वो अब भी बता रहे हैं। अब भी दिखाऊं? हाँ वो है वो। हेड मैकेनिक है, इंजीनियर बनने वाला है, 150 पगार है, 200 होने वाले हैं। ऐसा क्यों ना? जाता क्यों नहीं? अच्छा करता सो दे। और दारू देखो, भी कुछ उससे बात की तो बात मैं कर लूंगा। अच्छा देख ले तो देख। अरे क्या? अरे तुम्हारा नाम क्या जी? मेरा नाम राजकुमार सक्सेना। क्या बात? बात ही पॉपट करेगा जी, हम तुम्हारा जरा मुंह देखता है जी। मुंह देखता है? पॉपट है ना बढ़िया। आ जाओ कोने में। अरे कोने में कहाँ है? निकालो 100 रुपया। कितने देने वाली? 200 रुपया लेता रे तू। निकालो निकालो, ये ले 100 रुपया। आज को लड़के को लेकर आ रहे, मेरी लड़की जरा देखेगी, और लड़के को लेकर नहीं आया ना, मेरा बीवी का भाई खड़को आए तो तुम जाओ, इसको भी लेके जाओ, मैं जरूर आऊंगा। चल 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 जी, चल रहे पोपट। यार ये मद्रासी कौन था? मुत्तु स्वामी चट्टियार, बहुत रईस आदमी है, अपना दोस्त भी है, गैरेज खुलवाने का चक्कर चला रहा हूँ। तो फिर चक्कर चला दिया तूने? हाँ। मगर यार ये मेरा मुंह क्यों देख रहा है? तेरा मुंह वो बात ये है कि वो मैंने उससे कह दिया था कि मैं तुझे मैनेजर बनाने वाला हूँ। अच्छा, इसलिए आज शाम को अपनी दावत भी है तेरी और मेरी दोनों की। मेरी? हाँ, लेकिन यार जाएंगे कैसे, गैरेज में कोई बढ़िया कारोबार तो है नहीं। अच्छा आगे गुप्ता साहब पधारिए महाराज। मैडम उसका फोन बिल गया है और सर स्टार्ट दे रहा है, गाड़ी ठीक करवा के बंगले पे भेज देना। अरे पोपट राजू, चलो इस कार को पहले अटेंड करो, चलो जल्दी करो। आता है सेठ, आता है। अरे क्या बढ़िया कन्वर्टेबल है, यादव बोले तो खोल। अबे ये गाली को बाद में बना ना, तू चल मेरे साथ। मुत्तु स्वामी की यहाँ दावत में। तू जा यार, मुझे नहीं जाना दावत में। अजीब आदमी है, बोनट खोलना ही पड़ेगा। अबे उसकी एक खूबसूरत सी लड़की है, 17। तो मैं तेरी शादी पक्की कर रहा हूँ उसके बाद। शादी?
अबे मुझे शादी वाली नहीं करने पागल हो गया माने अरे मगर तो सुन तो गई यार अबे घंटी बज गई आ ऊपर चलते हो भाई ए भाई अजी बात स्पेशल क्या तो बना लूंगा पर मेरा यार ना पोता उसके पैसे दो अरे कमा दो सर उसके पैसे से मेरा क्या मतलब है उससे ले लेना ए ए ए ए राजू ए राजू ओ राजू पैसे नहीं दिए क्या ए राजू अरे पैसे दे रहे उसके मेरा कोई मतलब नहीं दिया राजू से कमा पैसे अच्छी बात है ए पैसे घर पे रह गए मैं अब भी लेकर आता हूं अभी ला दो ओ का ये धंधा है अच्छी कभी हमारे यहाँ भी आया कीजिए एक महीना मैंने तुझे कई बार कहा कि उसे छह साल मत किया था समझी सुनिए तो फरमाइए क्या हुक्म है हम भी तो खड़े हैं राहुल में अरे जाजा मुंह धो क्या तो मैं यही बोल लेता हूँ छोकरा एक ग्रास पा मैं होटल में जाके बोल लेता हूँ मैना तो फिर आ गई सड़क पर चल ऊपर चल देखिए उस्ताद तुमको सड़क पर लड़कियां छेड़ने लगेंगे मेरी बात मान लो और जल्दी से मुत्तू स्वामी की लड़की की शादी कर डालो भी हद करता है यार देसी बना देसी हाँ तैयार है हुजूर पान पान खाते हैं आप ना मैं भी नहीं खाता हूँ अच्छा चलता हूँ मैं हाँ तू क्यों नहीं समझता है देख भाई की पढ़ाई भी हो जाया करेगी और माँ के लिए खर्चा भी मिल जाया करेगा मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ कि तू मेरा क्या बात है अबे माल यही रखना तुम्हारा उसका पैसे बाद में लेगा मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ अभी चल हाँ तो मैं तुझे समझा इसलिए रहा था कि तू अपना दोस्त है वरना मुत्तू स्वामी को मुझे कमीशन देने वाला नहीं है मगर मेरी बागर मगर कुछ नहीं चल के लड़की देख लो पसंद आए तो करना नहीं तो कुछ भी नहीं है चलो उठो मैं 8 बजे का टाइम दे रखा है तो इन कपड़े में जाऊंगा क्या उसका इंतजाम भी अपने पास है करोल में एक धोबन अपनी है पर ऐसा सूट ले लेंगे करोल में आज ही रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते गैरेज पे कन्वर्टेबल जो खड़ी है ना उसकी शादी अपने ही पास है अभी कल चलो मैं बोलता हूँ क्या माल उठा चल पैसे नहीं दे रहा है ये पैसे चलो आए हाय क्या कन्वर्टेबल है यार नहीं अरे ये हेड देख कितना फर्स्ट क्लास है अबे इस हेड को क्या देखता है मैं जो कपड़े तुझे छबीली के यहाँ से दिलाने वाला हूँ ना उसको देख कर तो मुत्तू स्वामी की चीज पड़ेगा तुम्हारी तो ठीक चला मरवाया क्या हाँ फटा सफर लंबा है टाइम कम है मुझे सिगरेट है क्या आ जाओ प्यारे पसंद कर लो अपने लिए कपड़ा है स्त्री गर्म छोड़ के गए मैं आस पास होगी मैं उसे देखता हूँ और तुम अपने लिए कपड़े देखो तो देख भाई अगर मेरे कहीं जूते तो नहीं पड़वा उसका इंतजाम आगे है यहाँ सिर्फ कपड़े क्या मतलब ये कि ये लोग तो चप्पल वहां पहनते हैं देखते नहीं पार्टी करके है कौन है तू क्या करता है मैं उसका दोस्त हूँ पोपट का पोपट सिपट मारती है बाप खत्म आ गया चल जा अरे मेरी बात सुन तू मेरे काम से पोपट मार दे अरे नहीं ये तेरे कमल है अरे माधुरा माधुर अरे माधुरा तू कैसा बंडल है हम तो घर छोड़ के ना परत आ रहा तूने अब बात ये है कि मैं जब भी आता हूँ ना और तुम्हारा बापू मेरे हाथ में स्त्री पकड़ा देता है और कदम भी बन जाओ बाबा के लिए गावल है 2 महीने से थी 2 महीने से थी और वो फिर तो 2 महीने के लिए अपन बुक है ना भूल गया था ये अपना दोस्त है राजकुमार यानी कि राजू दोस्त है हाँ बड़ा पक्का दोस्त इतना पक्का नहीं है पर ये तुम्हारा नाम का है पोपट पोपट वो बात ये है कि इसको झूठ बोला है और तुम माधो रहा है इसको झूठ बोला है हाँ तो बात ये है कि ये बेचारा है सिंगल तो इसको डबल बनाने का है मेरा मतलब है जोड़े से हाँ तो इधर आ जाओ जरा ऐसा करो
ऐसे बूट का इंतजाम तो है, एक बढ़िया सा सूट निकाल लो इसके लिए। अच्छा कपड़े से क्या ला, हमको मिलने को नहीं आया, हम टाटा। अरे मगर सुनो तो सही, जरा सी बात पे नाराज हो जाती हूँ, अब पूरी बात तो सुनो। कौन भाई? ये मेरा सूट लो और फर्स्ट क्लास पैक करके दो, हमको सदर को मोहताज बैंक प्ले करने को जाने का है। चलेगा बहुत है पॉकेट में है ना, फिर ठीक है, इस्त्री करने को मिलता है ना, तुमको फजर में मांगता है, अपने को रात में मांगता है इस्त्री करने के वास्ते। संभाल कर रखना रे, ये कुछ है हमारे पास। पार्टनर आ जाओ, काम बन गया, ट्राई मार के देखो। नहीं बाबा ये सूट नहीं देने का, वो मानी सुपर ही चले, तार बहुत गर्म है, उनको मार डालेगा, अपनी बाइकों को रोज मारता है दारू पी के। सुनो तो सही, सुबह नहीं देंगे तो मारेगा ना। ये देखो मैं तो माल रात ही को वापस कर देता हूँ, गया के आया समझो। अच्छा ये बात है, देखो मैं तो तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ और तू मेरे लिए इतना तो सूट नहीं दे सकती। दे देख मान जा, मैं कहता हूँ मान जा, मान जा मैं कहता हूँ। तू देख तो सही क्या जलवा होता है, मुत्तू स्वामी की लड़की देखते ही बराबर आ जा। पर माधव घाबरू नको, गया और आया समझ। तू चालू कर गाली चालू करके। गुड नाइट मिस्टर इन्फ्लुएंसा, मेरा मतलब अल्फांसो। मुझे ना अल्फांसो नो रे, और डिकोस्टा डिकोस्टा, समझा? समझ गया, तुम्हारा सूट एकदम फर्स्ट क्लास प्रेस करेगा, फजर को मिल जाएगा। हाँ बड़े बड़े जानबूझ के किसी नहीं, मेरी गाड़ी कपड़े खराब कर दिए। जी गाड़ी कीचड़ की वजह से कुछ हुआ ना? क्या कीचड़ कीचड़, मेरे सारा प्रोग्राम अस्तित्व हो गया। मैं अभी आपके कपड़े लॉन्ड्री में ठीक करा रही थी। लॉन्ड्री में ठीक करा देंगे, 10 मिनट में कपड़े ठीक हो जाएंगे। जी 10 मिनट लगेंगे कपड़े ठीक करने। मेरी जूती की एड़ी भी खराब हो गई। यदि मैं मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई आपको। मुझे पार्टी में जाना था। जी पार्टी में तो मुझे भी जाना था। मेरे सारे प्रोग्राम अपसेट कर दिए। अरे आप रो क्यों रहे? रोने से क्या फायदा, देखिए गड़बड़ जो होनी थी वो तो हो ही गई है, कभी कभी गलती हो ही जाती है इंसान। आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करा देता हूँ, बहुत जल्दी। अरे मैं अभी छिंकू पूछ के आता हूँ, मैं अभी पूछता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। अभी आया हूँ। हो गया है, आपके 5 मिनट में कपड़े ठीक हो जाएंगे। जी आ जाइए फौरन करेंगे, 5 मिनट में ठीक करने के लिए कहा। माफ कीजिए जो कुछ भी गड़बड़ हुई। अरे सर कोशिश तो करके देखिए यार, इसमें काम ही कितना ज्यादा सा काम है, आप जरा अगर मेहरबानी करें तो हो जाएगा बहुत जल्दी। गंदी का जरा डबल चार्ज होंगे, डबल चार्ज नहीं, जरूर 50 की बात नहीं, चार्जेस तो मैं आपको थोड़ा दे दूंगा, उसकी आपसे कमर कीजिए, पैसे आ जाए जितने लीजिए, लेकिन हमारे कपड़े तैयार, प्लीज सेंड देम इनसाइड। मगर 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे, कम वक्त में नहीं हो सकता, कम क्यों नहीं हो सकता, आप कोशिश करेंगे। काम में कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर कोई हेलो नरगिस, तुम ऐसे कपड़े में इधर क्या करता है? बात ये है कि मेरे कपड़े जरा खराब हो गए। खराब हो गए? वो कीचड़ हो रहा ना, कीचड़ कीचड़। हाँ वो देखिए व्हील है ना, व्हील से वो किसका गाड़ी, गाड़ी किसका? देखिए कपड़े ठीक हो जाएंगे, मगर ये ब्लाउज तो बिल्कुल खराब हो गया, फट गया, जरा सब कहते हैं 10 मिनट लगेंगे इसके ब्लाउज को ठीक करने में।
हेलो हेलो नहीं नहीं बाबा नहीं ओफ नरगिस तू गलत समझ रही है मैं कहती मैंने आज से पहले उसकी शक्ल भी नहीं देखी ना मैं जानती वो कौन है क्या करता है कहाँ रहता है पर हम कुछ बोला हम तो कुछ भी नहीं बोला बट तुम्हारा फादर क्या सोचेगा अब देखो नहीं रात को 9 बजे का वक्त है तुम सब कपड़ा उतर कर इधर लॉन्ड्री में बैठा है मेरा नहीं एक बात है एक वर्ड का बात है दुनिया गोल है ना इसका वास्ते ए उसका नाम क्या नाम वो कह तो दिया मुझे वही मालूम दिल्ली विद नरगिस आई डू नॉट नो माफ कीजिए मैं इसकी एड़ी अभी जरा 5 मिनट में इसकी हिट करा के लाता हूँ 5 मिनट माफ कीजिए तुम्हारा नाम क्या है नाम नर्वस खुद का कौन है मामूली नाम घबराता कहीं कोई हम कहाँ घबरा क्यों घबराएगा कहाँ में घबराएगा हम कहाँ घबराएगा हम नहीं घबराता हम कभी नहीं घबराते कभी नहीं घबराते क्या पूछा आपने क्या पूछा कुछ नहीं कुछ नहीं अभी तो आप मेरा नाम पूछ रही थी जी मेरा नाम है अपन को नहीं पूछने का नहीं पूछने का अभी तो पूछ रही थी ये देखिए ना ये झूठा है ना इसका ये भी खराब हो गया जल्दी जाओ 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 इसको सिलवा के लिया जाओ जाओ हाँ लगो तद्दन चक्रम छे प्यारे लाल डी गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर गुप्ता फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रे अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है अरे रे रे ये गाड़ी भी इसी का है ना हाँ हाँ इसका फादर भी बहुत रिच था इसका ग्रैंड फादर भी रिच था हम उसको पहले कभी देखा नहीं था लेकिन इसके बारे में बहुत सुन ला है वाह तुम बहुत बड़ा चांस माला लेकिन इतना जल्दी सब तुमने कैसा मैनेज कर मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है बिलू शट अप हम तो मजाक थोड़ी करता है हम तो सच बताता है देखो ना अब उसका आंखें में हम देखा वो तो बिल्कुल खलास हो गया एकदम गया समझो अपन मर्द लोगों की आंखें में देख के बता देता कि उसके मन में क्या है हाँ और वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा बाबा तुम्हारा क्या विचार है देखो देखो इधर एड्रेस भी लिख के लाया फोन नंबर भी लिख के लाया तुम ऐसा करो इसको पर्स के अंदर रख ले हाँ अगर तुमको शर्म आएगा तो हम फोन कर देंगे नहीं रख लो रख लो ना मिस्टर वाला यस योर क्लोथ गैलरी प्लीज कमिंग टेलिंग अब भी आता गेट आउट जो दूसरा है मुझे अर्जेंट चाहिए छूटा मैडम इनका हाली तक नहीं आया क्या लगा रहता है तो
मैं उससे पूछ लूं। जल्दी जा अभी तक नहीं आया। टाइम कितना हो गया जी? घबराते क्यों हो? मोटर पंचर हो गई होगी। अरे आते ही होगा। अरे तुम जरा इधर आओ। अरे कहाँ खोलने में कैसे कर रहे हैं? नहीं नहीं मैदान में आओ। मेरी बात सुनो सुनो, लड़के के आते ही फौरन कढ़ाई का डाला समझे? एकदम बड़ा कर रखो जी, बाबल वामल साफ है ऐसे। अरे तैयार हो जा जी, शुरू करो जी। चलो मंत्र बोलो जी। मगर ये पता नहीं हुआ, ये इनके यहाँ का रिवाज ही, जो कोई मिलने आता है कैसे स्वागत करते हैं। अरे लड़के को बुलाओ ना, देख रहे हो पार्टी करो। लड़के को देखने नहीं आए तो अजी क्या देंगे? बुला जी, बुला देंगे। सुंदरम मैं तो बहुत बड़ा नहीं रहा, इसका मिलाप देखो तो सही, तब ये खुश हो जाएगी। हाँ जल्दी तू बस। आप चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, जो होना था हो गया। सुंदरी तुम्हारी हो गई, तुम सुंदरी क्या हो गए? मतलब ये कि तुम्हारी मंगनी हो गई। मंगनी? हाँ, ये तुमदार नारियल की पद का मिला है। अबे आज तुम हमारे दामाद हो गए। सगाई के कपड़े लेकर आया हूँ। सगाई? हाँ, तू तो वहाँ मुझे फंसा के चला आया था। 15 रोज बाद तेरी शादी का वादा करके आ गया हूँ तू स्वामी से, जब उसने मेरी गाड़ी छोड़ी है। पोपट यार, मुझे जरा गाड़ी को ट्रायल पे ले जाने का। अरे अरे मगर मेरी बात तो सुन ए भाई। अबे जरा सुन तो सही। इस तरफ कहाँ मोड़ दी गाड़ी को? ए भाई बताएगा आखिर हम लोग किधर जा रहे हैं, बोल तो सही यार। ए अगर आदमी क्या देख रहा है भाई? पोपट कल रात मुझे ही मिली थी इस खंभे के पास। कौन? वही जो मेरे सपनों में आया करती। अबे अबे दिन में भी सपने देखने लगा है क्या? नत्तू स्वामी को क्या जवाब देगा? ए नेता की नौकरी से हाथ धोने का है क्या? चल निकल, चल चल चल। पटवारी महीनों कही यार, शायद उसे कल वाली बात याद आ रही, मुझे याद करिए। ए भाई जरा समझदारी से काम ले, लड़की बड़े घर की मालूम होती है, लाइसेंस छिन जाएगा। चल चल अभी चल। पोपट वो मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी समझती है,
मुझसे इस हालत में कैसे मिल सकता हूँ यार, कोई तरकीब पता? तरकीब ये है कि तू मुखड़े को उधर घुमा और गाड़िया गाड़ी बढ़ा। पोपट शायद इसी बिल्डिंग में रहती है, ले जाती पोपट को। ए भाई, अबे ए भाई, अबे मरवाए ना क्या? पोपट ध्यान में रहती है। अबे ध्यान छोड़ दिया, पार्टी अपने मतलब की नहीं, पुलिस मर लेगी। पोपट जी मुझे ज्यादा नहीं, अपना हुलिया तो देख, और ये बड़े लोगों का घर मालूम होता है, कहीं पकड़ लिया तो पूरी तरह चमकी हो जाएगी। डरना नहीं, आगे ज्यादा लाइट। थैंक यू। जान बची। जी हाँ सरकार। लीला नाम है उसका? जी हाँ, उसका बाप अपने चंगुल में। ऐसे ठहरिए, मैंने देख लिया। पोपट, तेरे पीठ के पाई गाड़ी चाबी कहाँ? गैरेज में है। गैरेज में? मेरे एक आइडिया है यार, अभी सब लोग की छुट्टी होने वाली है, फिर सब लोग अपने घर जाएंगे, तो अपन कैसा करते हैं पोपट, कि गाड़ी लेकर दोनों आते हैं। और मत कर पोपट, तोड़ा मारा। आइए सरकार। मता, मेरा नाम किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अजय बेफिक्र रहिए सरकार, आइए तो सही। सरकार वो लंबी सी जो सामने नाच रही है, we'll be right back.
गाड़ी के अंदर घुस के नहीं बैठे ना। वेरी गुड, तुम एक काम करो, जब तुम्हारा गाड़ी ठीक होगा तो उसको नेशनल पार्क के अंदर जाना। गाड़ी में निकाल लो, मैं जल्दी एक आइडिया। अब तो उससे गुप्ता के गाड़ी में चलता है। क्यों क्यों गर्ल्स, चलो 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 चलो, तुम्हारा गाड़ी में चलेगा। अरे Oh!
लेकिन क्या सुनूं? जो आपकी जी में आए। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल लुभा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुना दिल रुबा। तेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है, तेरे दर्द से रह बेखबर, मेरे दिल की तब ये मजाल है, तेरी निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी गुफ्तगू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। मेरे दिल जिगर में समा भी जा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर कभी फासला, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर कभी फासला, के तेरे बगैर तो जाने जा, मुझे जिंदगी भी मुहाल है, तुझे क्या सुना दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुना दिल रुबा। नौ बज चुके, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता हूँ। अरे ऐसा मत करना, इससे तो मेरे गैराज की बदनामी होगी, आज आऊंगा उसको सारा मिस्त्रीपन बुला देता हूँ। अरे तो इतना गर्म क्यों होते हो? देखिए ना, बहुत सारी लड़कियां साथ में गई हैं, सबको घर छोड़ता हुआ आएगा, बस आता ही होगा। क्या है, आता ही होगा, आता ही होगा, जैसा तो जैसा तेरा दोस्त, फिर कभी उसको घर पे लेके आएगा तो तंगड़ी तोड़ दूंगी। तंगड़ी फिर तोड़ना, पहले आप उनका सूट लाओ, नहीं तो आपको 100 रुपया फटकाऊंगा। बैंड बजाने का ना, वो पीछे हो जाएगा, पहले हम तुम्हारा फ्रेंड का बैंड बजाएगा। बाप रे, यहाँ तो सबका पारा 102 से ऊपर है। पारे तक आ गया, बाय।
किधर ले गया था? हाँ, एक दिन देता, तीन दिन देता। चोर पुतला निकल जाओ, नहीं चाहिए हमको ऐसा नौकर। खबरदार के फिर कभी आया इस गैरेज में। अगर नौकरी की जरूरत हो तो इस पते पे आ जाना, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। Thank you.
बाबा पोपट तेरे कारगे में गड्डी देती हूँ, अगर रोजा रोज सामना देगा तो मैं तेरा कुकर कर देना ही, याद रखी। जाओ गया तू ऐसे ना जा, चाहिए ध्यान रखी गड्डी का, अब फुटा देखना की दिया। मेरी जिम्मेदारी पे गाड़ी मिली है, रोज शाम को हिसाब दे देना, मुखड़ा बाहर निकाल और सरदार जी को पहचान ले, चल फूट जा। किधर लेके जा रही है गाड़ी? इससे क्यों खुल गया है? ओए आगे चलना अपने अड्डे से, ओए ओए कुछ इसका सुनना है। ओए और से की देख लो लगती है। और कुड़ी ने की कूर कूर के देख लिया है, और मैं के पूछ रहा किसी का जवाब तक दे, अजीब जानवर ना बात किया, और किसी पागल खाने से छुट के आया है, कमाल है। छोकरी के साथ जा रहा है, कौन है वो छोकरी? मुझे क्या मालूम है, पूछने को तो मांगता है कौन है वो छोकरी। मैं कौन होती हूँ पूछने को? तुम अपने पास में एड्रेस में जाकर पूछेगा तो काय को घबराता है। और जिद तक सवार नहीं बुला दिया, वो मैं कह रहा सवार नहीं बुला दिया, पैसा टैक्सी वाला आता भी है। कमाल है, मुंह क्यों छुपाना किया? और कमाल है यार, तू बोल रहा क्यों नहीं है? और तेरा मुंह है तो सब सुन गया है, और तू देखना देखी तू सोया है क्या? अरे मम सब चलता चलता अभी ठहरो, अभी ठहरो, कमाल क्या हो रहा है? और चली गई है, और तो तुम्हारा भाड़ा ठंडा कर देता हूँ, सरदार नु की जवाब देते हो। और तू कर चुके कमाई, और जब तुम कम भी नहीं करना थी तो टैक्सी मेरे निकी रोड थी, तो चल सही सरदार जी देखो शाम को तेरे अब कुछ लेना हो जाएगा, चल सही। अच्छा किया जो जरूरी को छोड़ दिया, मैंने तो कई बार मेहता के जरिए तुम्हें पैगाम भिजवाया था, तुम मेरे यहां चली आओ। अरे फिक्र मत दो, फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दूंगा तुम्हारा। जल्दी चलने मैं जल्दी गाड़ी सोचा रहा चक्रम, लेकिन तुम मुझे बेकार वहां ले जा रही हूँ नरगिस, मैं उसे मिलना नहीं चाहती, पर उसको पूछना तो मंगता नहीं कि वो छोकरे कौन था। क्या फायदा? फायदा अगर कुछ घोटाला होगा तो अपनी उसको ऐसा फ्रेंड करेंगे कि आपकी लाइफ रोमांस करना भूल जाएगा। हाँ एक सवाल अच्छा सोचो, आगे चले चक्रम की बहुत। अच्छा जी टकड़े अंदर पीछे हो रही है, और यार कुछ तो बोल, मैं क्या बात सुना तो ना किया। चुप बे, हॉस्पिटल लेके से सुन, मैं तो कहती हूँ अभी वापस चलो। मरे तुम तो इससे ऐसा घबराते जैसे मैं तुमको खा जाऊंगा, लेकिन तुम देखो आज हम उसको लेसन नहीं सिखाए तो हमारा नाम नरगिस नहीं। हाँ कैम बाबा सोचा, अरे सो गरीब पास जाकर सामने जाए चक्कर में जरूर भी। हमारे को प्यारेलाल गुप्ता को मिलने का है, वो इस वक्त जरा बिजी हैं, आप तशरीफ रखिए। अरे सो बिजी।
बिजी करे चक्कर पर बात तो समझ लो। अरे आओ नहीं, अब जब इधर आए ना तो मिलकर ही जाएंगे ना। क्या बैठो क्या बाबा सोच है? एक बीजो तू ऐसा कर, एक पान जा रुका से मेरे लिए जाएंगे। एक बाता दो, एक बाते होते, एक उन्हों होते। जाना यार। हेलो इधर लो बादशाह, पान खाओ लो। अरे क्या पान खाओ, आज तो बोनट खुल जाएगा। और बोनट खोलने दी की लोड़ पड़ी हुई है। अरे कल तक गड्डी सर्विस कराइए। तू नहीं समझेगा यार, जा कहीं लस्सी पी, चाय पी, आराम कर, यहाँ से तो मेरा पीछा छोड़ जा। सुच है मंटुस? हाँ ये वही लड़की थी। कौन लड़की? वही जो कार में थी। फिर हम अभी उसका पता लगाता है। ए मिस्टर कहिए। ए छोकरे को तुम जानते हैं? कौन छोकरे? वही जो अभी इधर से डेली थी। वो उसको कौन नहीं जानता? कौन है वो? प्यारेलाल जी की बहन है। बहन? जा, उनकी बहुत सी बहनें हैं। एम के एम देखा नहीं, अपन भूला था कि प्यारेलाल जी ऐसा आदमी नहीं है। अब तो अपन इधर से चाय वाय पी कर ही जाएगा। अब तो हंसो नहीं। क्या बात कही है। अरे सचमुच आप जो देखे तो तबीयत खुश हो गई। वाह वाह, क्या मिजाज पाया है क्यों लाल जी? जी हाँ जी, मैं तो देखते ही समझ गया था कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, खानदानी आदमी है। क्यों लाल जी? जी हाँ जी। लेकिन नरगिस, मुझे समझ में नहीं आता कि बाबू जी वहाँ कैसे पहुँचे। अरे उसमें समझने का क्या बात है, बात पक्का करने को गए होंगे। कौन सा बात? तुम्हारा मैरिज का और कौन सा? चल हट। तुमने इस बुद्धू में ऐसा क्या देखा जो इतना फ्लर्ट हो गया? नहीं नहीं, वो तेरी समझ में नहीं आएगा।
लेंगी चुपके चुपके कहते थे हम ये दिल से वो दिल भी कोई दिल है जिसमें प्यार नहीं हम की वो निगाहें जो देखे दिल की बाहें कोई उनसे जाके पूछे हम सुनाऊंगी चाहे हम की वो निगाहें Very good line, clear. Come on, one by one. Mary. Run, Cindy. Watch what a dirty thing. Look at this. Look at that bare foot. To me, the pressure next time. I'm going to look you like me. That's a house pop number. It's a first class play. Sit down, please. Very good. Darling, आज तो तुम्हारा क्लासिकल है ही बट परंतु किंतु लेकिन ये रोज का भी आंसर नहीं है मेरा मतलब है नाक कान का भी जवाब नहीं है भाई गॉड ऐसा मालूम होता है कि सिस्टमेट प्ले में उसका दो मॉडल पहले रहा है मेरी नौकरी गई सेठ की छोकरी थी सेठ के पास ये काम करता है तू समझती काई को नहीं आधा पगार इनको खुश करने की देता है आधा पगार काम करने की देता है अगले महीने इंजीनियर बनने वाला था इंजीनियर बनने के बाद मैं फिर सभी करने वाला था सारा मामला चौपट कर दिया सच बोलता है तू और नहीं तो क्या हाँ मेरा कसम देख मैं तेरी कसम खाऊंगा तो तू क्या खाएगी ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी खाते हुए तुम हमेशा झूठ बोलता है हम तुम्हारे साथ बात नहीं करता जाओ एक कमाल है चमली आज मैं तेरे यहाँ आने वाला था लेकिन कमाल हो गया कि तू मेरे यहाँ आ गई इसका मतलब ये कि दिल से दिल को रोड पक्की बन गई है ये माधोरा तुम बड़ा बंडल है तुम बोला था हमारा बाबा बारगाम गया तुम हमको रोज मिलने को आएगा एक दिन भी नहीं आया अरे तो कौन मेरा ना बोलता है अभी चलने किधर चलती है कहाँ चलने का बोल छबिली एक बात बोलो आ, तो तेरी रसीली है ही वो तो पैसे लेके बोलता था इधर फुकट में इसका मतलब है कि बात सच्ची है दिल से है नहीं आ, तो तेरी रसीली है ही
लेकिन नाग कान का भी जवाब नहीं है। बाय गॉड ऐसा मालूम होता है कि कोई आ गया। ये आने वाले भाई पोपट लालगढ़ में नहीं है, ये तो अपना आदमी अभी खट करता हुआ। कमाल है यार तेरा, हमेशा नो एंट्री में बगैर पार्टियां देके गाड़ी लेकर घुस पड़ता है। किसी दिन तेरा चालान करना ही पड़ेगा। अबे धंधे के टाइम टैक्सी कहां छोड़ती, इतनी जल्दी कैसे चलाया भाई? क्या बात क्या है भाई, गाड़ी करण से नहीं खा रही है, बोल तो सही। गया काम से। ए भाई ओपट, तू जो कहता था यार वही हुआ, आज बोनेट खुल गया। खुल गया बोनेट? अपने को तो पहले ही मालूम था कि किसी ना किसी दिन इंजन की पोल खुलने वाली है। शीला मुझे कितना जलील समझ रही होगी यार, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि मुझसे कुछ कह दूं। बता क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? मुंह चल के दिखाते हैं मुत्तू स्वामी को, चोकता देखते ही खुश हो जाएगा, अपनी करके भी दूर हो जाएगी। मेरी बात मान तू। तेरा भी जवाब नहीं यार। देख तो सही कितने बढ़िया कपड़े भेजे मुत्तू स्वामी ने। यार तू भी बस। अबे कुछ तो अपनी माँ का ख्याल कर, अपने भाई के बारे में सोच। मैं कहता हूँ सबके दुख दूर हो जाएंगे। अबे अपनी हस्ती को देख, सामने वाली पार्टी को देख, कभी तो अपनी अकल का स्विच ऑन कर मेरे बाप। तेरी शादी हो जाएगी तो अपने खाने पीने का आराम हो जाएगा, जंगी की रोटियां खा खा के तो अपना पेट खराब हो गया है। ए भाई जवाब तो दे, तू मेरे सामने इतना शर्मा रहा है तो फिर टीवी के सामने क्या बात करेगा भाई? गया काम से। एक मिनट रुक। ए भाई आप क्या रखा है इधर? बस एक मिनट रुक, मैं इस जगह को आखिरी बार जी भर के देखना चाहता हूं। कमाल है, जवाब नहीं नाशिकों का भी। मजनू को लैला का कुत्ता प्यारा था, भाई को म्युनिसिपैलिटी का खंबा। ऐसे पहन रखे हैं जैसे आपकी शादी हो रही है। शादी हो रही है आपकी? शीला मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा हुआ आप आ गए। जानते हो नरगिस क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आप टैक्सी ड्राइवर हैं। उसे तो आजकल आप ही आप हर जगह नजर आ रहे हैं। शीला मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझसे क्या बात करनी है, बाबू जी तो आपसे मिल चुके हैं, जो कहना है उनसे कहिए ना, फिर आप तो हमारे घर कभी आते ही नहीं। अच्छा आज मेरी तरफ से आपकी दावत है, रात के 8 बजे आइए ना। लेकिन शीला मुझे तुमसे कुछ खास बातें करनी है, अकेले में। तो कहिए ना, यहाँ कौन है? यहाँ सड़क पर। तो आपके घर आ जाओ। नहीं। आपके दफ्तर में? नहीं शीला नहीं। तो किसी होटल में? हाँ होटल में। कौन से? तुम्हें कौन सा होटल पसंद? मुझे तो रिजल्ट। तो भी गई आज नहीं तो तुम्हारी दावत रात के 8 बजे रीगल में। अच्छा मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन सुनिए इस तरह दुल्हन के मत आइएगा, वरना सब लोग आखिर की तरफ घूरेंगे, मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। अबे तेरे बाप ने भी रीगल होटल देखा है कभी? 100 से कम का फटका नहीं होगा। चल मुत्तू स्वामी घर। मगर यार आज सुबह तो 100 रुपए मुत्तू स्वामी से लाया। नहीं मिलने वाले ध्यान छोड़ दे। यार ये मेरा काम करते, मैं वायदा करता हूँ आज उससे सारी बातें साफ साफ कह दूंगा, और फिर तू जो कहेगा पोपट मैं वही करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। भरोसा तो नहीं आता है लेकिन तरस आता है। और याद रख अगर कुछ गड़बड़ किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी पोपट, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आज मैं उसे सारी बातें साफ साफ कह दूंगा। मगर ये शेरवानी पहन के मैं वहां कैसे जाऊंगा यार? फिर काशी मिली ये शेरवानी कितने काम आएगी? अबे 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 शेरवानी लेकर आ क्या करेगा? मानक के खच्चर के
डायरेक्ट का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? खाओ कुछ भी खाओ, मेरा मतलब जो चाहिए से मंगाओ। आपको क्या पसंद है? जो तुम मंगाने में मंगाओ ना शीला। अच्छा, पैसे वैसे तो है ना जो? हाँ हाँ, पैसे बहुत। शीला, मैं अभी आया था। तो शेरानी में रह गया, शेरानी में रह गया ना। अच्छा हुआ। और तू ऐसा करना यार, जरा कासे में निकल चला जा। कासा माली शाम को 7 बजे ही दुकान बंद कर देता है तो सुबह 9 बजे वापस खोलता है। तो क्या होगा? अब क्या होगा क्या? मैं कहता हूँ मौका अच्छा है, निकल चलो। नहीं फोकर, मगर यार ये मेरी जिंदगी का आखिरी चांस है। और फोटो फिर तुमको इधर तरकीब ना, जब तक मैं बाहर कोई सवारी ढूंढता हूँ। खाना आ गया। तुम खाओ शीला, तुम खाओ, मुझे तो कुछ भूख ही नहीं। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं परेशानी की क्या बात, कोई परेशानी नहीं। खाना खाओ ना। बिजनेस में कुछ हुआ क्या? हाँ शीला, हाँ बिजनेस में कुछ इधर का उधर हो गया। वो तो होता ही रहता है, आप फिक्र मत कीजिए, खाना खाइए। अभी अभी मैनेजर साहब माफ कीजिए, मैं पैसे शेरवानी में भूला हूँ, कल सुबह 9 बजे के बाद आपको पहुँचा। कोई बात नहीं, कल भिजवा दीजिएगा। और शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत अभी तुम्हें खाओ ना। खाइए ना आप। आइए आइए, आप ऐसे मेहमानों का खास इंतजाम है। अब्दुल तो खाना उधर खिलाया जा रहा है। कहाँ? उस कमरे में। प्यारे लाल जी, आप यहाँ खाना खा रहे हैं? खाना कौन खा रहा है, मैं तो काम कर रहा हूँ शीला, बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। ऐसा भी क्या जरूरी काम है, बिजनेस की बात है क्या? हाँ बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है शीला, बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। होटल खरीद रहे हैं? बस यही समझो शीला, आप तो ऐसा लगता है कि जैसे होटल का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन आप तो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे और मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको कल घर को दावत देना चाहती थी। तो मैं आऊंगा शीला, कल मैं आऊंगा। जरूर आएंगे, जरूर आऊंगा। आज की तरह तो नहीं होगा? नहीं नहीं शीला, हरगिज़ नहीं, कल के लिए मैं कोई और इंतजाम करूंगा। अच्छा, तो फिर मैं चलूं? कैसे कहूं? अच्छा मुझे बाहर तक पहुँचाने तो आइए। तुम नहीं समझती हो शीला, मैं बहुत मजबूरी में बाहर नहीं आ सकता। अच्छा
ना सो गया अरे तुम्हारा भी नहीं जाना ना हद हो गई अब ये दावत में रात को जाना है ये सुबह सुबह जाना क्यों करती है तैयारी तो करनी है मैं जरा टैक्सी लेकर जाता हूँ शाम तक कुछ ना कुछ कमाई हो जाएगी कर चुका कमाई कल कौन सा मेला लेकर आ गया बाबू अभी वो झंडा सिंह आ जाएगा तो उसको जवाब क्या दूंगा मैं तू तो कह सकता है मर गए आ गया झंडा सिंह पूरा मैकेनिक के सब सामने खोल के रख देगा कोई सुनीले जवाब सोच सुत्ते में सर तक जानते में मर गए मालूम होता है साइलेंसर सर निकाल कर आया आवाज बहुत भारी है संभालता हूं मर गए भारी है वो खड़ा है वो क्यों है पुत्रा सवेरे सवेरे कितने क्या बोल रहे हैं राजा मैरिक हुए थे तरुण मैं दिखता रहा सवा सौ रूम मेरे चली गया क्यों हुकुम से कितने पैसे होंगे सारा दिन तक कुड़ियों के नाम फिरता रही है क्यों सरदार जी सरदार जी बात ये है कि नवा ड्राइवर बना है ना इस खुशी में पैसे नहीं लिए लेकिन घर देख कर आए आज वसूली करेगा ना इसीलिए तो सुबह सुबह जा रहा था पिछड़ा चलिए दो गुलाम तेरे जाके मोड़ों की तुझी तो बड़ी मेहरबानी की आपको तो क्या अपनी पहनों में मोड़ों लाने की सुबह सुबह फिरना सा अरे हुकुम सिया ऐसा एक मन क्यों होगा कोई ना पूछेंगे होगा सौ पंजाबा अरे मगर नेता बेट का है सौ पचास का होगा भी तो क्या हो गया लेकिन वो बिगड़ जाएगा मार डालेगा सब पुत्रा सुबह सुबह सामान देख के क्यों मैंने कहा धर्मदास जी धर्मदास जी बाबूजी बाहर गए हैं अगर आप कर्जे के लिए आए हैं तो वो आपको कल तक मिल जाएगा अजी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि धर्मदास जी घर में रहते हैं दरअसल कई दिनों से मैं आप ही से कुछ बात करना चाहता था मुझसे क्या बातें करनी है आप बैठिए तो मैं आराम से समझाऊं देखिए मैंने कहा बाबूजी घर में नहीं है आपके बाबूजी तो कर्जे के लिए खामखा परेशान हो रहे हैं दरअसल हमारे सेठ जी किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहते और आपकी ये बात बड़ी आसानी से तय हो सकती है दरअसल उन्होंने आपको डांसिंग क्लास में देखा है बड़ी तारीफें कर रहे थे आपकी आखिर आप कहना क्या चाहते हैं जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सेठ जी भी बड़े खूबसूरत और हसीन है ये देखिए उनकी तस्वीर ये तस्वीर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं इसलिए कि अगर आप चाहें तो कर्जा माफ हो सकता है निकल जाइए यहां से बहुत अच्छा लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए अगर परसों शाम तक रुपया न मिला तो घर की एक एक चीज नीलाम करवा दूंगा हाय हाय तू क्यों परेशान होती है बेटी तेरे बाबू जी हैं चाचा जी हैं अपने आप ही इंतजाम कर लेंगे इतनी जल्दी कहां से इंतजाम होगा चाची परसों शाम तक का ही तो वक्त है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अरे हाँ तू अपने प्यारे माल जी को सारी बातें क्यों नहीं बता देती तुम भी कमाल करती हो चाची उन्हें पता लग जाएगा तो क्या सोचेंगे हमारी कोई इज्जत ही नहीं अरे अब इस घर की इज्जत और उनकी इज्जत कोई अलग अलग है नहीं चाची उन्हें बताना अच्छा नहीं होगा शायद बुआ फिर आ गया तू ठहर मैं इसकी ऐसी खबर लेती हूँ कि इस घर का रास्ता ही खुल जाएगा कौन हो तुम क्यों आते हो इस घर में बार 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 जी मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ पहली बार आया हूँ चाची यही तो है प्यारे लाल जी प्यारे लाल जी बेटा मुझे माफ करना मैं समझी थी मिलता है मिलता अरे बेटी जाओ चाहो बना के लिया बेटा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी आओ आओ अभी अभी शीला से तुम्हारी बात हो रही थी बैठे बैठे बैठो देखिए और मुझसे डरो नहीं मैं शीला की चाची हूँ
ऊपर रहती हूँ ऊपर। हाँ। देखिए मुझे रात को आना चाहिए था लेकिन मुझे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी थी। हाँ, मैं सब जानती हूँ, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी थी। देखो पैसा रुपया बड़ी बुरी चीज है, आज मेरे पास कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो क्या तुम बुरे आदमी हो जाओगे? हैं? जैसे शिवा के पिताजी हैं, इतने शरीफ अच्छे आदमी है लेकिन पैसे रुपये से लाचार। पैसा? हाँ। तो क्या शिला के पिताजी अमीर होंगे? हमीर? 5,000 रुपया कर्जा है, कर्जा 5,000। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो 5,000 रुपया कोई चीज नहीं, और बाप बेटी शर्म के मारे तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है कि परसों शाम तक 5,000 रुपया मेहता का कर्जा नहीं चुकाया गया तो इस घर का सारा सामान नीलाम हो जाएगा। सो बेटा, अब इस घर की इज्जत ये तुम्हारी मुट्ठी में है, किसी भी तरीके से परसों 3 बजे तक 5,000 रुपया का इंतजाम कर दो। कर दोगे ना? शाबाश बेटा, शाबाश। लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहना। बेटी, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। अरे ये तो मुझे देखते ही डर गए। लड़का बुरा नहीं है, परसों फिर आने वाले हैं ना। शीला, तुमने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। शीला, क्या तुम मुझे गैर समझती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। शीला, किसी की क्या मजा है कि मेरे होते हुए तुम्हारे खानदान की इज्जत से खेले। 5,000 रुपए तो क्या शीला, मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। मैं तुम्हारी मुसीबत को दूर करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। शीला, मुझे भरोसा रखो, आप जो काम भी कहेंगे वही करूंगा। दिन रात मेहनत करके मैं आपकी कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। छोटा सा एहसान है सेठ जी, आप ये एहसान मुझ पर कर दीजिए, मुझे सिर्फ 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? अरे करम फूटा, तेरे बाप दादा ने भी कभी 5,000 रुपया देखा था? उठाई गिरे, चले आते के। सरदार जी, कुल 5,000 रुपए की बात है, आप किसी तरह मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ, मैं जिंदगी भर आपकी टैक्सी चलाऊंगा। अपनी टायर को नहीं लेना है जिन्होंने टैक्सी अंदर पूरा दिन सेल कराता रहना। ये पाना मुझे उसने दिया था जिससे मैंने काम सीखा था, मेरे लिए 1,00,000 रुपए की चीज है, इसे दांव पे लगाता हूं। बोल तेरे लिए कितने का है? 4 आने का। चंदी 4 आने से नहीं खेलता। मैं सारी जिंदगी तेरी गुलामी करता रहूंगा। अरे तेरी गुलामी मैं लेकर चाटूंगा क्या? वादा कर, अगर हार गया तो मैना को लाकर मेरे हवाले कर देगा। मगर मुझे तो मालूम नहीं कि मैना है। मुझे मालूम है कहाँ है। बोल, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, कह तो दिया मंजूर है। शाबाश, तो जंगी को भी मैना के लिए सब कुछ मंजूर है। ये देख, और ले, और ले, पूरे 500 रुपए। एक ही दांव में हार जीत, लेकिन जंगी को जीतने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। जंगी से जीतने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। ले भाई। ये क्या करा भाई? ठहर जा पोपट, ये मेरी जिंदगी है, मौत का सवाल। मैदान माल संभालो और घर चलो, ये पाना भी नहीं, निकल चल। मगर पोपट, मुझे तो 5,000 चाहिए। बाद में, बाद में। तुमसे भी जीतने वाला पैदा हो गया। ए राजू, क्यों तुम? राजा, क्या बात? राजू, तुझे रुपए की जरूरत है और मुझे मेरी मैना की। आज तेरा सितारा बुलंदी पर है, मेरे साथ चल, दोनों का काम बन जाएगा। प्यारे लाल गुट्टा का जुआ खाना में। प्यारे लाल गुट्टा जुआ भी चलाता है क्या? अरे वो क्या नहीं करता, मेरी मैना तो भी वही ले गया है। चल चल, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। मत जाना, मैं कहता हूँ हार जाएगा। नहीं पोपट, मुझे किसी तरह भी 5,000 रुपए चाहिए। मगर इस तरह नहीं मिलने वाले भैया। हर जा बादशाह, हर जा हवा। अरे बुला गया। हट
अब भी मैना को मेरे हवाले कर दे वरना इस अड्डे से भी हाथ धोने पड़ेंगे। आज मेरे दोस्त का सितारा बहुत बुलंद है। ए, ला माल ला। जल्दी ला। शेर शेर मास्टर मुंह क्या देखता बे चला चक्कर। हेलो बच्चों का खेल है जंगी। लगा क्या लगाता है, एक ही दांव में फैसला हो जाएगा। एक ही दांव में, एक ही दांव में। प्यारे लाल अगर तू हार गया तो मैना भी इसके साथ चली जाएगी। मंजूर है। अच्छा शायद तू यहां का कायदा नहीं जानता। जिसे मैं खेलने के लिए कहता हूं वो इनकार नहीं कर सकता। लगा मेरा आखिरी दांव, अगर जीत गया तो सम्मान ले जाना। राजू लगा ले, अबे लगा ले, यह आखिरी दांव है, जिंदगी भर ऐश करेगा। नहीं जंगी नहीं, मान जरा कहना राजू, मैं कहता हूं यह आखिरी दांव है, आखिरी दांव। नहीं 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 मैं नहीं खेलूंगा, भी पिता भी जिंदगी का है ये आप देना।
सितारा बुलंदी पर है। तो ये शरीफ आदमियों की जगह है, बदमाश कमीने। तू दाव हार गया है, सारे रुपए मेरे हवाले कर दे। हवाले कर दे नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा। चंगी से टक्कर लेना आसान नहीं है पहले लाख। मेरे रुपए लौटा दे नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा। Thank you.
4,500 की वधू मने परवरे करी थी। तुम कहते हो तो तुम्हारे खातर 5,000, पर माल जल्दी से छुड़ा कर ले जाना हो। ये मेरी बच्ची की अमानत है सेठ जी, जब तक छुड़ाने में मुझे चैन नहीं मिलेगा मैं बहुत चल ले जाऊंगा, बहुत चल ले जाऊंगा। रुपया पैसा गिनना नहीं चाहिए, क्या हर तरह के लोग होते हैं। कर्जा है कर्जा, अब जो तुम्हारे लिए तो 5,000 रुपया कोई चीज नहीं। कि परसों शाम तक 5,000 रुपया महिला को नहीं चुकाया गया तो इस घर का ये सब सामान नीलाम हो जाएगा। शीला, शीला ये रुपए मैं ले आया हूँ। अरे तुम तो सचमुच ले आए, लेकिन अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। बाबूजी ने इंतजाम कर लिया है, वो इसी सिलसिले में बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तुम बैठो मैं आई। शीला लेकिन ये रुपए मैं तुम्हारे लिए लाया, तुम्हें रुपए लेने होंगे शीला। अरे तुम तो इस तरह से डांट रहे हो जैसे मैंने कोई जुर्म किया है। जुर्म से क्या मतलब तुम्हारा? जुर्म की बात कौन कर रहा है शीला? तुम जानती नहीं हो कितनी मुश्किल। शीला ये रुपए तुम रख लो, भगवान के लिए अपने पास रख लो, तुम जो चाहे सो करना, इन्हें दान दे देना। शीला मैं जा रहा हूँ। सुनो, नाराज होकर जा रहे हो, तुम नहीं जानते बाबूजी चाची पर इतना गुस्सा हो गए थे क्योंकि उसने तुमसे रुपए की बात की। अब मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी, अभी बाबूजी आते होंगे उनसे मिलकर जाना। आप बैठो बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। बेटा, तुम्हारे करना
यहाँ छोड़कर चोरों की तरह कहाँ भागे जा रहे हो? बात ही तुम बहुत जिद्दी हो, कह तो दिया हमें इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ तक आए हो तो बाबू जी से मिलने बदल जाओगे? शीला मुझे बहुत जरूरी काम है आज, मैं तुम्हारे बाबू जी से फिर मिलूंगा, फिर कभी मिलूंगा शीला। मैं जानता हूँ श्रीमान, कहीं चला जाए तो कितना दर्द होता है, आखिरकार ये तो 5,000 रुपए है, मगर कहीं भी वो बदमाश मुझे दिख पड़ा तो फौरन ही पुलिस के हवाले कर दूंगा। शीला, शीला, हाँ हाँ क्या बात है? शीला की 5,000 रुपए की पाकिट किसी ने, आप लोग फिक्र न करें, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है, मैं उस आदमी का चेहरा अच्छी तरह पहचानता हूँ, मैं उसकी तस्वीर बनाऊंगा पुलिस वालों को दूंगा, मैं अभी उसकी तस्वीर बनाऊंगा। क्या हो गया भैया? अजी साहब रेल के डब्बे में बैठे हुए रुपया गिन रहे थे। अच्छा, मैं सामने ही बैठा था, मैंने फौरन ही समझाया कि यहाँ रुपया गिनना जायज नहीं, नहीं माना, आखिरकार किसी ने जेब काट ली। दिन दहाड़ी ये किस्सा गजब हो गया। आखिरकार देखिए एक काम करें। क्या शीला के बाप की जेब काट दी? अबे जिसकी मदद करना चाहते थे उसी का सफाया कर डाला, बहुत अच्छे। तुम जैसे जुआरी से और क्या उम्मीद हो सकती है, कल रात को जुआ खेलते रहे, आज जेब काट दी, कल किसी का खून करके फांसी के फंदे पे चल जाना, तुम जैसे दोस्त से तो बाद आए। पर मेरी मदद कर दिया, मैं तो अब उन्हें किसी तरह मुझे दिखा नहीं सकता, और तुझे शीला का पता बताया तो ये रुपए तो किसी तरह उनको पहुंचा दे। तो चोर को मोर मिल गया। उपट उपट ही रुपए किसी ने किस तरह पहुंचाने होंगे, तो मैं जानता हूं उपट ने रुपए की कितनी सख्त जरूरत है, कि मैं क्या करूं। उपट उपट तुम तो मुझसे स्वामी क्या ले चल, मैं उसके लड़के से शादी करने को तैयार हूं। राजू तू अपने आप को बेचना चाहता है? मैं उसके यहां नहीं ले जाऊंगा, तो मैं खुद उसके यहां जा सकता हूं। राजू अयो ऐसा कैसा होगा जी, शादी के पहले मैं पैसा नहीं दूंगा। मतलब मैं शादी करने को तैयार हूँ। राजू है तो चुप रहे यार, मैं शादी करने को तैयार हूँ, निकालो 5,000 रुपए निकालो। अयो 5,000 रुपये? अजी दिन पोपल क्या बोला सर, 2,000 रुपये में शादी करता सर। राजू तो चुप रहे यार, मगर मुझे स्वामी 5,000 के बगैर मेरा काम नहीं कर सकता, मैं आज शादी करने को तैयार हूँ, आज ही शादी कर गए। अच्छा जी ठहरो जी, मैं अनारकली से जाकर सिल्ला लेकर आता सर, ठहरो। तो मेरी बात मान, वापस कर लो कदम। मैं क्या जी जो सुन दो मान लेना चाहिए, जी तुम्हारा भी नहीं जी हमारा भी नहीं, 3,000 में तय करा दिए। 3,000? मगर मुत्तु स्वामी 5,000 के बगैर मेरा काम नहीं जा सकता। अयो यो चांद के वादे से भी तुम्हारा भाव बढ़ गया सो। अच्छा जी सर ठहरो जी ना, अयो दोनों इनके वाह 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 नहीं वाह, अयो यो क्या जी सुनियो सदके जाओ। प्यारे लाल जी अंदर है? जी हाँ है तो सही, लेकिन बिजी है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, बैठिए। सुनिए उनसे कभी शीला उनसे मिलना चाहती है, प्लीज मुझे बहुत जरूरी काम है। अजी कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन आई एम सॉरी। धर्मदास की बेटी शीला आई। शीला? जी हाँ बाहर इंतजार कर रही है। देखिए काम कर तू, इन लड़कियों को यहाँ से चालू कर दे और खुद भी दफा हो जा। क्या आप जल्दी लो सरकार। पांडे यस सर, वो जो पार्सल बाहर आया ना उसे अंदर भेज दे। ओके। सुनिए जाइए अंदर, बुला रहे हैं आपको।
देखो मैं इसलिए आई हूँ कि तुम तो अभी तक नाराज हो। मुझे क्या पता था कि बाबूजी की जेब फट जाएगी, वरना सुबह ही तुमसे रुपया ले लेती। तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, एक तो पहले ही मुसीबत में थे और आज तुम तो जानते हो आज ही शाम को ये मेहता आने वाला है। बहुत ही बुरा आदमी है, पता है एक दिन वो किसी बदमाश की तस्वीर उठा लाया था, कहने लगा अगर मैं उससे शादी कर लूं तो सब कर्जा माफ कर देगा। ये तुम्हें हो क्या गया है, एक बार मेरी तरफ देखो। जी हाँ फरमाइए, मैं सब सुन रहा। लेकिन मुझे तो प्यारे लाल जी से मिलना है। ओ, आपको प्यारे लाल जी से मिलना है? प्यारे लाल जी गुप्ता से मिलना है आपको? जी हाँ। आई सी, आइए अंदर तशरीफ ले चलिए। जी मिस्टर प्यारेलाल डी गुप्ता अंदर मिलेंगे आपसे। कहाँ है प्यारेलाल जी? असली या नकली? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि थोड़ी देर के लिए मुझे प्यारेलाल समझ। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं असलियत है। मेरा ही नाम प्यारेलाल गुप्ता है। तुम प्यारे लाल समझ रही हो वो एक मामूली मोटर मैकेनिक नहीं, वो आवारा है, खूनी है, जोरा लफंगा है, जो मेरी मोटर लेकर मेरे ही नाम से तुम्हें धोखा देता रहा। नहीं, ये सब झूठ है, गलत है। झूठ ही सही। इस वक्त तुम्हें रुपयों की जरूरत है और मैं तुम्हारी हर मुसीबत दूर कर सकता हूँ। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 झूठ है। अरे बेटी कहाँ चली गई थी? अभी अभी प्यारेलाल जी का आदमी आया था। प्यारेलाल जी का आदमी? हाँ, और 5,000 रुपया दे गया। 5,000 रुपये? ये देख 5,000 रुपये, और ये तेरी चिट्ठी छोड़ गया। मैंने बड़ा मना किया लेकिन वो माना ही, इसलिए मैंने बतौर कर्ज ले लिया। शीला, किसी खास वजह से मैं खुद नहीं आ सकता, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बातें करनी है। आज 4 से 5 तक मैं उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जरूर आना। तुम्हारा ही प्यारे लाल। बाबूजी, समझ में नहीं आता दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, हम तो दूसरों पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं, लेकिन मुझे इस वक्त बाहर जाना है। शीला, मैं ठहर जा, उस पॉकेट मार का स्केच तैयार हो गया है, तो साथ में लेती जा। रास्ते में पुलिस स्टेशन पड़ता है, वही दे देना। मैंने थाने में रपट लिखा दी है, बस वो सब समझ जाएंगे। ये ले। वो आ गए। मैं कहता हूं मान जा, मत बता, बेचारी का दिल टूट जाएगा। नहीं पोपट, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं उसको धोखा नहीं दे सकता। अच्छी बात। बाबू जी तो बेहद खुश है। अरे हाँ, आज मैं तुम्हारे दफ्तर गई थी, न जाने तुम्हारे कमरे में कौन आदमी बैठा था, शायद तुम्हारा मैनेजर होगा। इतना खराब है वो आदमी, इतना खराब है, बदतमीज कहीं का। वो तो तुम्हारी भी बुराई कर रहा था, कह रहा था कि असली प्लान वो खुद है और तुम एक मामूली मोटर मैकेनिक हो। मोटर मैकेनिक हो तुम? अगर होते तो इतनी सारी रुपए कहां से ले आते? हाँ, किसी की जेब काट ली हो तो बात अलग है। किसकी जेब काटी है? अरे हाँ, पता है आज सुबह बाबूजी की जेब कट गई, लेकिन बाबूजी तो पेंटर है ना, उन्होंने उस चोर की तस्वीर भी बनाई है। मैं स्टेशन ले जा रही हूँ और पुलिस वाले इसे हर जगह भेज देंगे,
चोर एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, फिर हम तुम्हारे सारे रुपए वापस कर देंगे। ये देखो, तुमने मेरे बाबूजी की जेब काटी, तुमने मदद क्यों? शीला, मैं तुमसे यही बात रोक गाड़ी। मेरी बात सुनो शीला, ये सब बातें मैं तुम्हें मिलना चाहता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं कहती हूँ रोक गाड़ी। मेरी बात सुनो शीला। भाभी आपने खाम खाम में भेज दिया, फिलहाल तो चिंता दूर हो गई। भैया आप चुप रहिए, हम लोगों ने जो कुछ किया ही है। लेकिन बेचारे न जाने कहां कहां टक्करे खाते फिरेंगे। अरे बेटी तू आ गई, वो तस्वीर पुलिस स्टेशन में दे दी, आज तो अपनी इज्जत रह गई। तेरे जाने के बाद मेहता आया था, मैंने सारे रुपए उसके मुंह पर मारे, बरसों के बाद कुछ चिंता दूर हो गई। प्यारे लाल जी ने जो हम पर एहसान किए हैं, हम जिंदगी में उसे कभी नहीं भूल सकते। अरे बेटी तूने तस्वीर पुलिस को नहीं दी? बाबू जी वो देने से फायदा भी क्या था, पैसे तो आपको मिलने वाले नहीं थे। शीला तुम क्या कह रही हो? बाबू जी मेरा ख्याल है हमें ये शहर छोड़ ही देना चाहिए, हम यहाँ रहने के काबिल नहीं। चलिए वहीं जाए जहां से आए थे। शीला ये क्या बचपना है, तुम ऐसे आदमी पर रहम करना चाहती हो जो रहम के काबिल नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। बेटी मैं जानता हूं तुम्हारा दिल तुम्हारी मां की तरह नरम है, लेकिन बेटी ऐसे लोगों से हजारों घर तबाह हो चुके हैं, इन्हें कभी नहीं माफ करना चाहिए। अगर तू नहीं जाना चाहती तो मैं खुद जाता हूं। बाबू जी ऐसे समाज के दुश्मनों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। देखिए बाबू जी आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं खुद दे आती हूँ। देख तस्वीर को पुलिस को जरूर दे देना, कहीं फेंक मत देना वरना मुझे दूसरी तस्वीर बनानी पड़ेगी। चलो अंदर। तुम आ गए चाची, फिट हो गया जी, मेरी तो तीन हो रही थी, बुरा हाल हो गया। लड़की को पहले तैयार करो ना, इनको लेकर चलो। लेके चलिए चला जी, चला चला जी। अयो तुम क्या जी घर पास हो? जयपुर जी शादी का तैयारी होते थे, रात का 9 बजे का मुहूर्त थे। मुक्तु स्वामी मेरे पास अगर 5000 रुपए होते ना तो मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह पर मारता। अयो शुरू करो ना, अशुभ क्या बोलते सो कोने में चले जी, आला कोने में आ जी। सफर साथ अपना छोड़ चले, हम सफर साथ
अपना छोड़ चले रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले हम सफर साथ सफर साथ अपना छोड़ चले रास्ता साफ था तो चलते रहे साथ हंसते रहे मचलते रहे मोड़ आया तो मुझको मोड़ चले हम सफर तस्वीर भेजी है जेब कतरे की अंदाज में जी हाँ आई सी मिस्टर शिंदे सर जो आदमी सुबह गोली बंदर से रुपया छीन के भागा था जिसकी तस्वीर इसकी कापी बनाकर फौरन हर पुलिस स्टेशन में पहुंचा के भेज दी जाए बाबा जी अपने पिताजी से कहना कि जैसे ही मंजूम का पता लगेगा हम उन्हें इतला देंगे बहुत अच्छा मिस्टर शिंदे सर भला जो आदमी कितने बजे रुपया छीन के भागा था 9:25 Yes, 9:25. सर ये लड़का कहता है गैराज लेन में मैंने बाइक के कोठे पर जंगी होटल वाले का खून हो गया कितने बजे मेरे को मालूम नहीं सर मुझे अभी अभी पता लगा लाल भी उधरी पड़ी है आई सी तुम इस लड़के के साथ जाओ इंक्वायरी करो मुझे फोन रिपोर्ट यस सर बस सब आ रहा है जी नीचे से डॉक्टर साहब को बुलाओ अच्छा साहब
लास्ट किसी ने छुआ तो नहीं? इसका पता कब चला? शाम को 6 बजे। ऐसे मालूम होता है किसी तेज औजार से खून किया गया। ये क्या चीज है? ये राजू की टोपी है सर, और ये पानी भी इसी की है। कौन राजू? राजकुमार देखा नहीं, जो दादर गैरेज में काम करते हैं। यस, लाश बरामद हो गई। गुड। डॉक्टर की राय में फोन कितने बजे हुआ? 9:30 बजे। लेकिन 9:30 AM मर्डर एट दादर। और कुछ? व्हाट? टोपी और स्पैनर? जी हाँ, ये दोनों चीजें लाश के पास ही मिली हैं। तफ्तीश जारी है, लेकिन डॉक्टर को यकीन है कि मरहूम का खून उसी स्पैनर से किया गया है। और ये दोनों चीजें राजकुमार सक्सेना नामी एक मोटर मैकेनिक की है, जो दादर गैराज में काम करता था। हमें शक है कि राजकुमार सक्सेना ही जंगी होटल वाले का खूनी है, क्योंकि काफी तलाश के बावजूद राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। राजकुमार और उसका एक दोस्त पोपटलाल शाह गैराज के ऊपर एक कमरे में रहते थे, और कल रात से दोनों फरार हैं। जी जी हाँ, पोपटलाल शाह भी फरार है, दोनों को तलाश किया जा रहा है। चुकी का खुद और नहीं तो क्या, पुलिस तेरा पीछा कर रही है, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा गया। मगर पोपट, मैंने जब ये खून लेके हुआ तुम्हें खून नहीं किया? मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर पुलिस को तेरा स्पेनर और टोपी लाश के पास ही मिली है, अब तेरी बात का कौन यकीन करेगा? राजकुमार सक्सेना कहाँ है? नहीं पता। क्या काम है? उस पर खून का इल्जाम है। उस पर एक आदमी अंदर लेके गया जी, मेरा शादी करने के बाद है जी। यहाँ पे कोई भी नहीं है, कैसे नहीं? अच्छी तरह जाकर देखो, वो जरूर कहीं छुपे होंगे। जाओ दोबारा देखो, तुम भी जाओ, कमल मेरे साथ। अरे नमस्कार, शादी होता है जी। अगर जाइए बाबत राजकुमार के साथ। अरे मगर हम तो अरे मगर हम तो महाराज जी देखो, हमारे लगन होता है, अरे मगर हम किसी राजकुमार को नहीं जानता है, हम तो मद्रास ही। ये लोग जबरदस्ती हमको लगन मंडप से उठा के लेकर आए जी। हमारा नाम अयंगर, हमारे बाप का नाम शेंगर है, उसके बाप का नाम छटोप। तलाशी लो, लो तलाशी, हम चोर तोड़िए। देखो सब देखो जी तुम। तो तुम मद्रासी हो? नहीं। तुम्हारा नाम पोपट नहीं है? नहीं। तुम राजकुमार सक्सेना को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। बंद कर दो इसे हवालात में, सुबह तक खोज ठिकाने आ जाएंगे। अरे वाह, ये सर बंद कर दो हवालात में, करे कौन करे कौन, वो नहीं मिला तो इससे बंद कर दो। हवालदार तुम का क्यों नहीं समझता है, लेकिन तुम भी अपना आदमी की तरह है। राजू आखिर तूने मुझे हवालात का भी मुंह दिखला दिया। नहीं क्या ये खतना, इतना डबल नहीं, छोड़ दो, किसी और को खाएगा, मैं तो आज छूट जाऊंगा। अरे बिटिया कहाँ चली गई थी? बड़ी देर लगा दी, वो कब से अंदर बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं प्यारे। कैसा जमाना आ गया है प्यारे लाल जी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ। अरे आजकल तो जो भी हो जाए कम। अरे शीला बेटी, तुमने कुछ सुना? आज तक जिस आदमी को तुम प्यारे लाल समझ रही थी वो तो पक्का 420 निकला, उसने आज तक तुम्हें भी धोखे में रखा। असल प्यारे लाल जी तो ये है, वो तो एक मामूली मोटर मैकेनिक है, हम तो इसे लेकर आए थे। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे तो किसी अच्छे घर का लड़का मालूम होता है। जरा सोचो तो, कोई ऐसा वैसा होता तो चेक से 5,000 रुपए का इंतजाम कैसे कर देता है? अभी क्या भरोसा ऐसे वैसों का, जेब काट लाया होगा किसी की। जेब काट लाया होगा? छोड़िए चाचा जी, बेचारा कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लाया ही होगा, लेकिन उसके रुपए तो लौटाने होंगे।
ये क्या कर रहे हो? अरे आपका अल्लाह कीजिए, अब तो आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। और अगर अब भी आप शीला की शादी उस मैकेनिक से करना चाहें तो ये मेरी तरफ से प्रेजेंट समझ लीजिएगा। ये 5,000 रुपया देने का मतलब समझे, ये शीला बिटिया से शादी करना चाहता है। हमें लड़का पसंद है। लड़का पसंद है जैसे दिया तो कर रखा, पहले बिटिया से पूछा। तो बिटिया से कहा पूछी, हम को बदमाश छोड़ के साथ छोड़ कर तुम ये खानदानी लड़का हो। खानदानी खानदानी खानदान का डिस्टिवन पत्री तो नहीं लिखा है। अब तो चुप रह, तू चरखा पढ़ाई। शीला बेटी, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए, इसमें तुम्हें कुछ कहना है? नहीं बाबूजी, कुछ भी नहीं। सातवीं मंजिल है मैना भाई, गिर जाओगी तो हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। अजी वो तो हम ही तुम पे मेहरबान है, वरना प्यारे लाल जी का तो यही हुक्म था। तुम लोग मुझे यहाँ नहीं रोक सकते, मैं सबको बता दूंगी, मैं पुलिस को बता दूंगी। प्यारे लाल ने जिंदगी का खून किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इंस्पेक्टर सर, पोपट ने कुछ बताया? नो सर, ये आदमी बहुत चालाक मालूम होता है सर, इससे पहले भी एक मरता पुलिस के हाथों से भाग चुका है। ओह आई सी। अब मेरे ख्याल में अगर इसे रिहा कर ले जाए तो ये सीधा राजकुमार से मिलने जाएगा। बहुत मुमकिन है सर। तो फिर ठीक है, इसे फौरन रिहा कर दो और पांडे से कहकर नहाय होशियारी से उसका पीछा करें। हवलदार वो चाकर क्या हुआ बताता हूँ, ठहरो। निकलो बाहर। छुट्टी? एकदम छुट्टी। वेरी गुड, वो चार टेम्पल कर लूंगा। हाँ चलो बाहर। ए उधर गिर जाता है। अंदर मैं आ रहा हूँ, मेरी कोई तकलीफ नहीं है। चल चल बाहर निकाल। क्या मुसीबत है? जब मैं आना नहीं चाहता था तो जबरदस्ती लाके बंद कर दिया, और मैं जाना नहीं चाहता हूँ तो जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हो, और वो भी भक्तों से पहले। पब्लिक प्लेस इसलिए बैठता है, यानी बैठेगा कहाँ बैठेगा? चलो अपने घर जाते रहो, उठो। सरकारी मेहमान होता ये लोग क्या करे? जवाब नहीं है तुम्हारा, यहाँ बैठ के ऐश कर रहे हो और मैं रात भर हवालात में खटमल मारता रहा। क्योंकि तुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। और ये तो क्या, रात भर बैठ रखा और सुबह बच्चे के टाइम टिकट दे दिया भाई लोगों ने। ये 500 माल खर्चा करके लेकर आए हूँ, ये देख तेरी दोस्ती अपने को पिट रहेगी किसी दिन। ए भाई मेरी बात मानता है तो पुलिस स्टेशन में जाके बोल दे कि 10 तारीख को 9:25 तो तूने जेब काटी तो खून का इल्जाम साफ। मैं पुलिस चौकी गया था फिर उन्होंने मुझे पॉकेट काटने के इल्जाम में नहीं पकड़ा। क्यों? इसलिए कि शीला ने मेरी तस्वीर बदल दी। तो इसका मतलब ये कि छोकरी तुम्हारे साथ अभी तक है। मगर मैं ये कैसे साबित करूंगा कि मैंने खून नहीं किया? क्या कैसा आपका ले माधरा, 9:30 को खून हुआ, 9:25 को इसने पॉकेट काटा, जेब काटी बोली बंदर पे। पुराना का है, सोचने वाली बात है। सबूत क्या भाई? कोई सबूत नहीं। तो इसका मतलब ये कि खून के इल्जाम से तुम नहीं बच सकते? Thank you.
सुगली, वो आदमी का मैं तो एक बात भी मिलना चाहता हूँ। कौन आदमी सर? वही जिससे तेरी शादी होने वाली है। वो इधर नहीं है सर, वो चला गया अपने घर के। अपना घर चला गया? कहाँ उसका घर? वो बहुत दूर है सर, परेल में। परेल में? तो जानती हूँ वहाँ खून हुआ। कौन? देख छबेली, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर तू झूठ बोलेगी तो मुसीबत में फंस जाएगी। मुझे अभी मालूम हुआ उस आदमी का नाम प्यारेलाल नहीं बल्कि राजकुमार सक्सेना, वो एक खूनी है। नहीं, नहीं। और तू जानती नहीं खूनी को घर में छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। किसी का खून नहीं कर सकता, वो पहला मरा ना, वो दूसरे को क्या मारेगा सर? अच्छा तो राजकुमार सक्सेना परेल गया? नहीं, हम राजकुमार को नहीं जानता, वो प्यारेला। चलो मेरे साथ पुलिस चौकी। पर काम का टाइम है सर। पकड़ो मत। शंकराम, सारी बस्ती में उस आदमी को तलाश करो। चलो जल्दी करो। नारायण, तुम इस घर पर निगाह रखो। चलो। अरे ये तो मेरी सहेली को पकड़ के ले जा रहा हूँ। ए भाई कोई बंदोबस्त करना वरना तेरे लिए मेरी सहेली पहुंच जाएगी। तू कहाँ जा रहा है? पुलिस देखेगी तो सीधा फांसी का मतलब मुझे देगी। अब तो तुझे दुनिया में सिर्फ एक आदमी बचा सकता है। कौन? जिसकी तूने जेब काटी थी उसके पास पहुंच जा, वो खुद बयान देगा और तू फांसी के फंदे से बच जाएगा। पोपट, ए भाई साहब, ये गाड़ी वाला किधर गया? कई बाहर गांव गयला है लड़की की शादी करने। लड़की की शादी किसके साथ? अब उनको क्या मालूम, सुना है कोई प्यारे लाल गुप्ता है। मर गए। Murderers arrested. Soon the police arrived and they arrested him. शीला, शीला, जरा देख तो बेटी, जिस आदमी ने गोली बंदे को मुझसे रुपए छीने थे उसको फुलफॉर्म में खून कर जाने का पास। हाँ, लेकिन उस दिन वो 9:25 पर गोली बंदर में था। समझ में नहीं आता 9:30 दारू खून कैसे कर सकता है। पुलिस वालों को जरूर धोखा हुआ है। लेकिन बेटी, मैंने तो उसका स्केच भी दिया था तुम्हें। हाँ बाबू जी, वो स्केच मैंने बदल दिया था। बदल दिया था क्यों? ये मैं बाद में बताऊंगी। अब सारे चल कर पुलिस को अपना बयान दे दीजिए वरना एक दो दिन आदमी फांसी पर चढ़ जाएगा। चलो बेटी। आइए बाबू जी। मैं नहीं चाहता आप लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटें, इसमें मेरी बदनामी है। लेकिन एक आदमी की जान खतरे में है। ऐसा आदमी जी के भी क्या करेगा और दो चार खून और कर डाले? वो आदमी खून नहीं कर सकता। हाँ बेटा, उसने जेब काटी थी। अगर आप जाना ही चाहते हो तो मैं नहीं रोकता। अब पहले शादी हो जाए तो आप शौक से चले जाइए। वो फांसी पर लटक जाएगा और आपको शादी सूझ रही है। तुम मतलब दो कौड़ी तो मकान से प्यार करती हूँ। प्यार? जब तक ये शादी ना हो जाए आप लोग इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। जल्दी करो। राजू की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन शादी से पहले मैं अपने होने वाली बीवी को जाने के सिवाय लाल मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शीला, तुम क्या कह रही हो? अपने आप को मिटाकर अगर मैं उसकी जिंदगी बचा सकती हूँ तो जरूर बचाऊंगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अभी इसी वक्त। लेकिन अब मुझे शादी की इतनी जल्दी नहीं। अब कुछ ही दिनों में तुम्हारा चाहने वाला फांसी पे लटक जाएगा, उसके बाद इतनी नाम से शादी करें क्या नाम? अरे तू इधर इस बेटी का दोस्त को बताया? तू उधर खैर, मैं वही सोच रहा हूँ। पर काय सोचता है? छबीली, मेरा दिल कहता है कि जंगी का खून उसके अड्डे पर नहीं बल्कि प्यारे लाल गुप्ता के अड्डे पर हुआ है। और जिस वक्त खून हुआ है उस वक्त वहाँ मैना भी मौजूद थी। अगर मैना का पता चल जाए
तो खोली का पता चल जाए। मैना वो नहीं आनी, तू से पहचान थी क्या? अपन उसको देखा तो नहीं, पर एक दिन कपड़ा छोड़ने को गया था तो उसे बहुत आदमी पियला बैठा था, मैना मैना बोलता था, अंदर से छोकरी का आवाज आता था। कौन सी मिली है? ऐसा तुमको मालूम नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। थोड़ा ठहर, मामला खतरनाक है, कोई तरकीब लगा के चलना पड़ेगा। तरकीब तरकीब तरकीब। ये मेरे चाचा की फोटो है। अरे कौन है तू? तू हमेशा नशे में भूल जाते हो, तेरा पास आकर देखूं मैं। अरे मेरा घूंघट तो हटाओ, मुखड़ा तो देख ला। मुखड़ा बाद में देख ला, पहले अंतर दिखा। चलो अंदर। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, जंगी का खून राजू ने नहीं बल्कि प्यारे लाल गुप्ता ने। अगर आपको मेरी बात का यकीन न हो तो मैना से पूछ लीजिए, इसका तो आंखों देखा वाक गया है। प्यारे लाल गुप्ता एक नंबर का, माफ कर, प्यारे लाल गुप्ता एक नंबर का बदमाश आदमी का कोई भरोसा नहीं है। ये पक्का 420 है, उस रोज मद्रासी बन के आ गया था। और अब देख लीजिए, उस दिन की बात और थी इंस्पेक्टर साहब, आज की बात और, तुम समझते ले जाओ सबको बंद कर दो। अरे मैं मुझे अगर बंद कर दिया, मुझे बंद कर दिया, देखना भाभी का बंद निकल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे बंदा तुम सुनो तो सही, बेगुनाह को बचाने की बात है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, इंस्पेक्टर साहब। और अब मैं अदालत के सामने चंद ऐसे गवाह पेश करना चाहता हूँ जिनके बयानात से मुलजिम के मशकूक चाल चलन का अंदाजा लग जाए। मेहता चंपतलाल रूड़मल, मेहता चंपतलाल रूड़मल हाजिर। ये मेरे यहाँ नौकरी करता था लेकिन कभी टाइम पर नहीं आया, और हुजूर मेरे ही ग्राहकों की गाड़ियां लेकर ये आवारा गर्दी किया करता था। इस आदमी पर मुझे कोई भरोसा नहीं, ये सब कुछ कर सकता है, हो सकता है सरकार की ये खून भी इसी ने किया हो। रूबिन डिकॉस्टा, तुम इस आदमी को जानते हो? जयंता साहब, अपना सूट दोबन को प्रेस करने को दिया, उधर से लेकर उस भाग गया। ये पहला नंबर का चोर है साहब, अपन अपने को बैंड बजाने बुझाने का दशम्बर रुपए का फुटका हो गया अपने को। मुत्तुस्वामी चटिया, तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? आइए यो क्या पूछते जी, ये बड़ा चांस हो बिछाए तो, ये मेरे बच्ची से शादी कर तो बोल के 5,000 रुपया लिया तो, ये खूनी से शादी नहीं हुआ, अच्छा हो गए मेरी बच्ची बच गई, अजी मेरे 5,000 दिलवा दो जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी नमस्कार। अरे अरे तुम सब लोग कहां घुसे चले आ रहे हो? हाँ तो सरदार झंडा सिंह, तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? हजूर है मेरी टैक्सी से मुकुटिया ने मुख साल कराना रहा, चलो ये रुपया मैं सामान चुके ला गया, पता नहीं कितनी जेब काट के मैंने पैसे दे गया, एक नंबर का लोफर थे, इन्हें मेरे यार चाहिए खून है नहीं किता, इन्हें फांसी चलाना चाहिए। और मुलजिम इस बात का कोई माकूल जवाब नहीं दे सका कि वो उस दिन 9-10 बजे के दरमियान कहां था और क्या कर रहा है।
इंस्पेक्टर साहब मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं सच कहता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो एक बेगुनाह आदमी फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। मुझे असली खूनी का पता है। सुनो, तुम सुबह से कान खाए जा रहे हो। जब तक आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करोगे मैं कान तो क्या भेजा भी खाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, कर्नल साहब, जनरल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, मेरी बात का आप यकीन कीजिए, मुझे असली खूनी का पता है। उसका नाम है प्यारे लाल गुप्ता। वो कहाँ रहता है उसका भी मुझे पता है। जो कुछ तुम कहती हो अगर गलत हुआ तो? गलत हुआ तो जो आपकी मर्जी में आए मुझे वो सजा दे देना। मैं सच कहता हूँ, मुलजिम अपने मुंह से खुद कहेगा कि खून मैंने किया है। अगर नहीं कहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना बस। आई सी। इंस्पेक्टर सर, इस आदमी को मेरे कमरे में ले आओ। यस सर। चारों भूत चारों शैतान, उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, पकड़ उसी को जो न माने किसी को। मान मान मान, मेरा नहीं तो मेरे उस्ताद का कहना मान। कौन हो तुम? क्या शोर मचा रखा है? चेहरे पे नमक, आंखों में चमक, दिल में दमक, आंधी हो या तूफान सब टल सकता है मेहरबान, लेकिन जोगी की बात कभी खाली नहीं जा सकती। तेरा एक दुश्मन फांसी के फंदे पर लटकने वाला है। मत हो हैरान, तेरे दिल में जल रही है शमेदान, तेरे घर में बंद है गुलफान, लेकिन मेहरबान वो है तेरी दुश्मनी खानदान। ले आ उस मगरूर को, जाने हूर को, बलाए नागहानी को, मौत की नाली को। पढ़ दूंगा ऐसा मंत्र, हो जाएगी जंतर, बन जाएगा काम, हो जाएगी हमेशा के लिए तेरी गुलाम। अच्छा। हाँ, वरना कुत्ते की मौत मरेगा, जो किया है वो भरेगा, जो नहीं किया है वो भी तेरे सर पे पड़ेगा। अभी हाजिर करता हूँ पीरो मुर्शिद। बन गया काम, मेरा नहीं तेरा मेहरबान। कौन लड़की? कैसी लड़की? मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं है। खता तेरी नहीं लकीरों की है, तुझ पे मेहरबानी खुदा की नहीं हम फकीरों की है। दिल में आया है तो बताकर ही जाएंगे, और तेरा हाथ गुरु के हाथ में थमा कर ही जाएंगे। इधर हाथ तो ला प्यारे। देखो, जो कुछ बताओगे अगर झूठ हुआ तो मैं गोली मार दूंगा। अब बता क्या बताता है। इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से सुंदर। इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से सुंदर। इधर तो हाथ ला प्यारे, लिखा है तुझको तो किसी से उल्फत है, मगर उस जालिम को तुझी से नफरत है। वो चाहे औरों को ये तेरी किस्मत है, ये जालिम प्यार दिखलाता है क्या क्या नजारे। इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से जुंजारे। इधर तो हाथ ला प्यारे। लकीरें कहती है ये तेरे हाथों में, कि तेरा मन उलझा है ऐसी बातों में, कि सोना मुश्किल है तुझे अब रातों में, ये तेरे भेद खोले हैं लकीरों ने सारे। इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों ने फकीरों से सुंदर। इधर तो हाथ ला प्यारे। Thank you.
किया है जो तूने वही पाएगा तू, बुरी होगी बेटा गच पाएगा तू, फकीरों से बच के कहाँ जाएगा तू, तेरी किस्मत की चाबी है मेरे हाथों प्यारे, इधर तो हाथला प्यारे, दिखाऊं दिन को भी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से सुंदर, इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से जुंजार, इधर तो हाथ ला प्यारे। राजू खून के इंतजाम से बरी हो गया। बरी हो गया? हाँ। कहाँ है वो? अभी तो छोड़ा नहीं गया। वो हमारे रुपए छीनने के जुर्म में उस पर मुकदमा चल रहा है। मुकदमा? तो आप अपना मुकदमा वापस क्यों नहीं ले लेते? हम कुछ नहीं कर सकते बेटी, कानून गुनाहगार को सजा जरूर देगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मामूली सजा होगी, बिल्कुल मामूली। मुलजिम राजकुमार सक्सेना को धर्मदास के रुपए छीनने के जुर्म में 2 महीने कैद की सजा दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वो आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। बेटा, शुक्र है भगवान का, ये दिल्ली की सजा कट जाएंगे, चिंता नहीं करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं कह रही, मैं तुम्हारा इंतजार करेंगी। यापा पारंग रुस्तम जी भैरव जी इंजीनियर हाजिर है, रुस्तम जी भैरव जी इंजीनियर हाजिर है। नमस्ते, आप पहले से ही मौजूद हैं? अरे आओ राजू, कैसे हो बादशाह? पार्टी मौजूद है। आई जाइए, हो हम तुम्हारे लिए आए थे। घर लेके जाकर, अरे घर को शादी करने से तुम्हारी छोकरी से शादी नहीं करेगा। कहा को नहीं करेगा जी, ये 5,000 रुपया खाको बैठा तो और ये 1,000 रुपया खा रहे। लेकिन क्या जी, ये शादी के मंदिर से भागा तो तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम्हारा दिल क्या बोलता जी? चलो जी घर से चलो, मुत्तू स्वामी। जिसको होटल में भाड़े नहीं बताए थे, रेस नंबर 3 मर गए, पुलिस ने छोड़ दिया, मगर ये नहीं छोड़ा था, भिंडी बाजार से पीछे आ रहा है। शादी दोनों को लगाना। शादी कोई घोड़ा और बताइए। 1, 2, 3, 4, 5 घोड़ा नंबर 5, रेस नंबर 5, घोड़ा नंबर 5, रेस नंबर 5, घोड़ा नंबर 5, रेस नंबर 5, घोड़ा नंबर 5, रेस नंबर 5।
समझे नहीं समझे नहीं समझे